जो जेल भेजने की धमकी है आप क्यों देते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जेल की धमकी से डर के आम आदमी पार्टी के नेता अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? देश भर में जो जो पार्टियां उसका विरोध करती हैं, उनके नेताओं पे केस लगाते हैं और उनको जेल भेजने की धमकी देते हैं। अब बाकी देश में हो सकता है कि ऐसे नेता हैं जो इस धमकी से डर जाते हैं, जो जेल जाने से डर जाते हैं, तो वो अपनी पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में के सारे भ्रष्टाचार के आरोप उन पर से खत्म हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूं, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे नेता हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने सीबीआई के केस किए, ईडी के केस किए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए तो क्या हुआ? केस बंद हो गए, ईडी अपने घर चली गई, केस की फाइलें गायब हो गई, आग लग गई ऑफिस में, पानी गिर गया फाइलों पे और सारे केस उन नेताओं के खिलाफ खत्म हो गए। चाहे पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे असम में हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे महाराष्ट्र के छगन भुजबल हो, चाहे महाराष्ट्र के अजीत पवार हो, सब पे सीबीआई और ईडी के केस चल रहे थे और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वो सारे केस खत्म हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार नहीं खत्म करना चाहती है, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आना चाहती है, ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।